मैं बच नहीं सकता। घरवाली, दूसरे साधक सब बहुत परेशान है। अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ही उन्होंने रात को नागपुर फोन किया। जैसे फोन मैंने मेरे पास मैसेज पहुंचा, मैंने उनसे इतनी ही प्रार्थना की, यहां बैठा परमेश्वर के दरबार में प्रार्थना के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर सकता, मेहरबानी करके जैसा उनका जप चल रहा है उन्हें कहिएगा कि अपना जप और बढ़ाएं, मैं दो दिन में दिल्ली पहुंचने वाला हूं, तत्काल मुझे दर्शन दें। ऐसा ही हुआ। दिल्ली पहुंचते ही कहीं उनके साथ मेरा मिलन हुआ। मैंने उनसे पूछा, भाई क्या बात थी कि आपने मुझे रात को फोन करवाया नागपुर, आपकी आंखें इतनी इतनी मोटी हो रही हैं रो रो के, मुझे साफ साफ सब बात बताओ तो मैं कुछ आपको समाधान बता सकूंगा। फिर सुनाते हैं, 1975 की बात है, मैं किसी लाला जी के पास नौकरी करता था दुकान पर। उनका काम बहुत अच्छा था। मैंने थोड़ी ही देर में उनका सारा का सारा काम करना सीख लिया। मेरे मन में भारी इच्छा कामना उठी, मैं यदि अपना काम खोल लूं तो मैं इनसे ज्यादा बेहतर कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। मैंने इसी संस्था के किसी गुरु से दीक्षा ली हुई थी, लेकिन के पांचों के नाम मैंने आपसे कहे हैं, इनसे नहीं किसी और से दीक्षा ली हुई थी। मैंने 3 लाख रुपये उड़ी लाला से दुकान से चुराए। चुराने के बाद काम खोला, मेरा काम बहुत अच्छा चला, मेरे पास उनसे ज्यादा पैसे हो गए। इसके बाद जब मेरा काम ठीक हो गया, घर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, मैंने दोबारा दीक्षा ली स्वामी जी महाराज से। दोबारा दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर जो राम नाम जपने से मुझे शांति मिलती थी, जितना अधिक मैं राम राम जपता उतनी अधिक मुझे बेचैनी होती। मुझे लगा मुझे दोबारा दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सब कुछ सुन के तो मुस्कुरा रहा था। एक साधना सत्संग अटेंड किया, उस साधना सत्संग में कुछ चर्चा चोरी और अन्य बुराइयों की हुई, उन्होंने मुझे और व्याकुल कर दिया। मैं घर लौट के वापस आया, पड़ोस में एक महिला की मृत्यु हो गई। मैं शमशान घाट